गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं और मेरा फ्रेंड जा रहे हैं एक आज राइड पे, शाम को बाइक राइड पे, जो कि हमने जाना है पहाड़ों में। पहाड़ों में मतलब जो ये वाली रेंज है, इस रेंज के हमने बिल्कुल एंड में जाना है। वहाँ पे ये वाली रेंज ख़त्म हो जाती है, दूसरी रेंज शुरू हो जाती है, वहाँ से मैं आपको दिखाऊँगा अभी एंड में। तो अभी मैं जस्ट अभी घर से बाहर निकला तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर वाली साइड। यहाँ से कोई 15 या 20 किलोमीटर दूर हमने जाना है और थोड़ी सी हमने ट्रैकिंग भी करनी है। तो अभी निकलते हैं क्योंकि हमने रात होने से पहले वापस भी आना है। अभी 5:30 तो बज ही रहे हैं, तो जाने में भी टाइम लगेगा, तो अभी निकलते हैं। तो अभी हमारे साथ एक पॉपट हो चुका है। मैं कैमरा ले आया घर से, पर इसमें मेमोरी कार्ड ही नहीं लाया मैं इसका, भूल गया मैं, दूर पता नहीं कहाँ फेंका हुआ था घर में, उसको डालना ही भूल गया। अब सारी क्लिप्स फ़ोन से देखने को मिलेंगे। तो भाई अपने घर से निकलने से पहले अपने कैमरा वगैरह देख लेना, चेक कर लिया करो घर से कि मेमोरी कार्ड है या नहीं है। मेरे साथ तो पपट हो गया है और रोड भी तो ख़राब है यार, पूरी मज़ा आता है मेरे को ऑफ़ रोडिंग करने में। आ चुकी है वाटर क्रॉसिंग फिर से, आगे तो मेरे फिर से यार शूज़ गीले हो जाएंगे यार, क्या करें, मेरे भी होंगे इतने ही तो करता हूँ, सोच रहा हूँ नहीं यार निकाल लूँगा मैं आज बाइक, आज हमें हल्की चैलेंज है पक्का, निकालनी पड़ेगी मेरे को भाई, तो बीच में पैर रख दिया तो भाई देखो अब मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं जा रहा हूँ, घुस गया मैं पानी में, दोनों जूते गए। फंस गए, उतर ना यार, तो रुक मत उतर, मत उतर तो। ओ नीचे मेरा जूता दिखा यार, देख जूता दिखा, मेरा पूरा गीला हो गया आगे देख, ये वाली तो मैं कर लेता यार पार्क, वो भी हो जाती है यार आराम से, मैंने पता नहीं क्या जल्दी कर दी थोड़ी। ये तो छोटी होगी यार, ये पीछे से शुरू हो जाती थी पहले, पता है पानी पीछे से शुरू हो नहीं भाई, ये भी देख लगता नहीं है कि थोड़ा सा पानी है, अब नहीं रुकने वाला मैं इसमें, मेरे ना पत्थर होते हैं ना ये लूज होते हैं बहुत ज़्यादा नीचे, तो ये वो कर देते हैं टायर को पकड़ लेते हैं, बोलते रुक के जा रुक के जा, इधर मैं साइकिल लेके आ रहा मैं तो रोड दिखी नहीं, ऊपर से कूद गया नीचे कुछ में, टेंशन ने बचा लिया सबसे, अरे भाई चलो क्यों नहीं करते यार रोड को ठीक, पता नहीं इसको, ये देख यहाँ पे पैर थोड़ना, यहाँ नहीं रखने वाला मैं, गंदा हो जाऊँगा पूरा, यहाँ पैर रख लिया था मैं, नहीं रखूँगा, गिर जाऊँगा पर पैर नहीं रखूँगा, यस करते हैं इसको अभी, यहाँ ये हाँ नहीं ये छोटी है, इसके बाद एक और है, पैर रखूँगा या नहीं रखूँगा बता, नहीं ये नहीं क्या नहीं, अब मेरे को आ गया देगा, मैंने पैर नहीं रखा, ठीक गया ना, चौथी वाटर क्रॉसिंग है, लाइन लगी है तब तो गाड़ी होगी, चल भाई आ जा तू निकल गया, तेरी भी जींस भी गीली होगी तो चप्पल भी गीली होगी, कॉन्ग्रेचुलेशन अंकल की गाड़ी फंस गई। और फाइनली हम पहुंच गए हैं, अभी यहाँ के लोग हमें देखेंगे, इनके पास कैमरा भी है, हेलमेट भी है, क्या करते हैं ये अच्छे लोग, हेलमेट भी पहनते हैं कैमरा भी पहनते हैं, हाँ पहना ही है कैमरा ना, हाँ फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी अपनी डेस्टिनेशन पे, हमने ऊपर जाना है अभी ट्रैक करके, छोटा सा ट्रैक है 200-300 मीटर का ट्रैक होगा, और यहाँ पे ना ये रोड भी ख़त्म हो जाती है और ये वाले पहाड़ भी, वो दूसरी रेंज वो है पहाड़ की सामने, नीचे खाई है ये रेंज है, और अभी हमने जाना है उधर ऊपर। जूते हो चुके हैं पूरे गीले और जींस भी ऊपर तक,
हम तो ऐसे ही आगे घर से मन कर रहा था घूम के आते पहाड़ों में घुमाते हम तो मैं गया था अभी पार्टी में एक तो वहाँ से सीधा मैं डायरेक्ट इधर आ गया ना जीन्स उतारी ना लोअर पहना ना टी शर्ट पहनी क्योंकि पहनता तो रात हो जानी थी फिर रात रात दिन तो छिप ही जाना था आने आने में दिन छिप जाता फिर ना शूट हो पाता ना ना क्या ना मैं ना फोटोज निकलती ना फिर व्यू दिखता कोई ऊपर से है ऐसा रास्ता इधर का ये लोकेशन बहुत कम लोगों को पता है मैं नहीं बताई ये सबको एक दो को ही पता है और बताऊंगा भी नहीं क्या पानी की आवाज आ रही है कहीं से सुन सुन देख ध्यान से पानी होगा ना ये देखो कितनी बड़ी खाई है इधर से नीचे वो क्या है वो येलो येलो कपड़ा बांधा जिसमें कपड़ा नहीं है वो है बोर्ड है बोर्ड है कोई मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है और अभी हमने और ऊपर जाना है उधर ये नीचे का रास्ता कोई गांव में जाता है हैं हाँ जाओ ऊपर चलते हैं पहले चलो पहले जाएंगे हम ऊपर ऐसे जूते भी गीले हैं सॉक्स भी गीले हैं पता नहीं यार एक दिन ना मैं उधर गया उसके टॉप पे अभी मैं नहीं जाऊंगा अभी दूर है वो नेक्स्ट व्लॉग में जाऊंगा कभी आप बाद में जाएंगे चढ़ना पड़ता है यार उधर और थोड़ा जंगल भी है ये मेरी फेवरेट जगह है इधर की आसपास में मैं इधर ही आता हूँ अभी मौसम साफ नहीं है थोड़े तो मौसम साफ होता है तो उधर से सारे पहाड़ दिखते हैं वो हिमाचल वाले पहाड़ है उस साइड इधर जे एंड के हिमाचल भी पास ही ना सामने धर्मशाला वगैरह वाले पहाड़ हैं उधर सर्दियों में तो इधर से भी स्नो दिखती है इधर से भी स्नो दिखती है इनको पार करके दूसरे पहाड़ आते हैं उधर भी उधर स्नो होती है मैं दिखाता हूँ ये नीचे कोई गांव है हाँ नीचे घर बने हुए हैं गांव भी नहीं है गांव ही होगा ये बड़े दूर दूर घर है खाई है पर इधर जो नीचे गिरा तो मिलेगा नहीं और इधर भैया ने बताया था रात को ना रात को ज़्यादा रात मत करना क्योंकि इधर लेपर्ड वगैरह आ जाते हैं रात को बहुत ज़्यादा घना जंगल है इधर ये देखो आप नीचे ये तो नीचे जंगल है ये ट्रैक्स जो बने हुए हैं ना ये zigzag ये बकरियों ने बनाए हुए हैं बकरियां जाती हैं नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे तो वो बना देती हैं बाकी कुछ ऐसा है इधर से ये भी बकरियों ने बनाए हुए हैं छोटे छोटे रास्ते है, नीचे जाते हैं फिर zigzag एक बंदर बैठा है उधर स्टॉप ये बैठा तो अभी जहाँ गोल्डन आवर शुरू हो गया पूरा गोल्डन ही गोल्डन हो गया अब ये भी गोल्डन हो गया है बारिश के बाद ना मेरे को ये बड़ा अच्छा लगता है सब चारों तरफ ग्रीन ग्रीन हो जाता है ना पूरा ग्रीन 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 अभी सनसेट भी होने वाला है तो अभी फोटोज क्लिक करते हैं और थोड़ा बहुत और शूट करते हैं फिर निकलते हैं घर को वापस पे ना एक घर देखा भी मैंने जंगल में कहीं कहाँ पे था वो देखो वो वाला वो एक घर है बस वहाँ पे उधर और कोई घर नहीं है कैसे रहते होंगे यार लोग पूरे जंगल में सिर्फ एक घर दिखाओ मेरे को इधर मतलब इस साइड घर है इस साइड मस्जिद भी है घर भी है उस साइड तो कुछ नहीं है बस एक घर है पूरे जंगल में और उसके चारों तरफ पूरा घना जंगल है हिम्मत है यार लोगों की रह लेते हैं
मैं आता हूँ ना हमेशा, तो इधर मेरे को बकरियाँ वगैरह घूमती दिखती हैं, इस बार कुछ भी नहीं है इधर। क्यों, ऐसा कोई सीज़न होता है क्या? कुछ लोगों के शौक भी कैसे कैसे होते हैं। ये कौन सा फिल्टर है पता नहीं बोलता, इसमें मेरी फ़ोटो ले लें ब्लैक एंड वाइट में। ले भाई खुश रहे, मतलब पूरा ब्लैक एंड वाइट है, उसमें तू भी नहीं दिख रहा। पहाड़ों में आया घूमने, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो लेनी है इसने। यार ये थोड़ी सी बेकार है। तो थोड़ी सी अच्छी कैसे लूँ फिर? अच्छा ले, अभी मैं फ़ोटो ले रहा, इधर खड़े होकर पैर मैं पीछे गिर जाता। अरे पानी की, ये पानी की आवाज़ कहाँ से आ रही है, इसका पता लगाते हैं। चलो दया आ जा, इधर से देखते हैं, डर मत नहीं गिरेगा कहीं की, सब कुछ पता है मेरे को अपने एरिया का। आवाज़ कहाँ से आ रही है जब पता कर गया, चल जल्दी जा। जाऊँ? कोई ना नीचे से ना पानी की आवाज़ आ रही, चुप चुप सुनने दे। उधर से चलते हैं, उधर से आपको भी आ रही होगी, उधर से चल। इनको बस ये हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, देख हेलीकॉप्टर बोलते थे ना इनको, ड्रैगन को, ड्रैगन फ्लाई बताया, ड्रैगन फ्लाई होते हैं, मैं हेलीकॉप्टर बोलता था इनको। ये उड़ रहा, कितने सारे हैं। चल चल फिर घर भी निकलना है यार, बैटरी भी जाने वाली है इसकी, 10% है बस। फोटो नहीं अच्छी, इसकी इतनी अच्छी फोटो ली है गवार की, बोल रहा फोटो नहीं ली। हाँ ली तो इतनी अच्छी फोटो तेरी, फिर से ले लेता हूँ। ये हेलमेट में ना पूरे बाल खराब हो गए। स्टैटिक वाली चाहिए इनको फोटो। अभी हमने पानी का पता लगाना है, पानी यहाँ कहाँ से आ रहा है, आ जा देखते हैं। तुझे क्या लग रहा है कहाँ से आ रहा है भाई? वो तो अब जाके पता चलेगा नीचे, तू जाएगा देख ले। चल तू नहीं आया वापस, तेरी मम्मी को क्या बोलूंगा मैं? अरे कैसे नहीं आएंगे, डर के आगे जीत है। देख पागल सा चला गया। नहीं लगेगा यार पता, ओए पागल। ये तो सच में पागल है, चला गया है तो मैं नहीं जा रहा, पर मैं तो ऊपर से बैठ के देखता हूँ, इधर बैठता हूँ आराम से देखूंगा। हाँ है झरना, दिख रहा है वहां से, वीडियो बना के ला ले। हाँ इधर है, देख पानी आ रहा है। अभी बोलता टेंशन के लेता, खुद गिर गया। पानी आ रहा है यहाँ से, कहाँ से? मत जा यार, आजा वापस, चढ़ेगा कैसे अब तू वापस इतनी ऊपर? पागल से चला गया उधर, अरे जी पागल आदमी है इस दुनिया में। हाँ तो पानी होगा ना नीचे, आजा चल वापस आजा, वीडियो बनाने लगा, आजा चल। क्या था उधर बता अब? हाँ? क्या था नीचे पानी? अरे झरना था यार, छोटा सा झरना नहीं होता। हाँ? पहाड़ों से निकलता पानी अंदर से। हाँ? वो चीज़। अरे वो बड़ा होगा ना नीचे जाके, तभी इतनी आवाज आ रही है। वो छोटा उधर नीचे बड़ा है, पानी ऊपर से आ रहा था। अच्छा। ये तो स्टार्टिंग हो रही थी पानी की। हाँ वो छोटा छोटा पानी आता पहाड़ों से, वो पानी नीचे जाके कहीं मिलता होगा तो उस पानी की आवाज थी। बारिश का पानी, एक बार ना इधर चीता आया, इनकी गाय बंधी हुई थी इधर, तो गाय को मार दिया उसने। बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता ना जमीन में, वो ही निकल रहा। अच्छा 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 अच्छा, तो अभी निकल रहे हैं हम घर, घर वापस जा रहे हैं, रात होने वाली है, घर जाते हैं क्योंकि रोड भी ख़राब है पूरी। तो शायद मैं घर जाते हुए व्लॉग ना कर पाऊँ, मेरे बैटरी डाउन हो गई है पूरी, कैमरा तो खराब, मेमोरी कार्ड नहीं है उसमें, और फ़ोन की भी बैटरी डाउन होने वाली है। तो ये वाला व्लॉग यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। साइकिलिंग का भी हो सकता है, मोटर व्लॉगिंग का भी हो सकता है, और ट्रैकिंग का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हाँ एक बात और बता, मैं टिप्स की, साइकिलिंग टिप्स की वीडियोज़ डालना शुरू करूँ या नहीं, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ आज की टिप ये है कि अपने घर से निकलने से पहले कैमरे का मेमोरी कार्ड चेक कर लेना। मैं भी लाया हूँ सिर्फ उसको, मैं छाती पे पहन के आया हूँ उसको, यूज़ नहीं हुआ कुछ, कोई भी यूज़ नहीं हुआ, अंदर पड़ा हुआ है वो पड़ा। तो अगर आप भी चाहते हैं आप अपना कैमरा लाएँ और उसको यूज़ करना है आपने, तो मेमोरी कार्ड चेक कर लें, काम आएगी मेरी बात।